गीता का घर बारिश के कारण बर्बाद हो गया है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा घर तो बारिश के कारण बर्बाद हो गया। ये मेरा बेड भी खराब हो गया, अभी से फिर से कलर करना होगा। मैं क्या करूँ? अरे नहीं, ये मेरा प्यारा सा सोफा टूट गया, अब मैं किस पर बैठूंगी? ये सोफा अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इधर कार्तिक झाड़ू लगा रहा है। जल्दी जल्दी झाड़ू लगा लेता हूँ, फिर उसके बाद घर को भी रंगना है। अरे कितना कूड़ा कचरा जमा हो गया है, इसे अच्छे से साफ करना होगा। पापा झाड़ू मुझे लाइए, मैं साफ कर देता हूँ। आप थक जाएंगे पापा। अरे तुमसे नहीं होगा हर्ष, तुम उधर जाकर खेलो, मुझे साफ करने दो। अरे जाओ हर्ष। पापा अपना बेडशीट पूरा खराब हो गया है, अब हम लोग किस पर सोएंगे? अरे कितनी तेज बारिश हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर दह जाएगा। हाँ शनाया, बारिश तो बहुत तेज हो रही थी, आज से पहले मैंने उतनी तेज बारिश कभी नहीं देखी थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरा घर बच गया, लेकिन आंगन का सारा सामान खराब हो गया। मायरा चलो हम दोनों मिलकर सोफे को कलर करते हैं, सोफा फिर से पहले जैसा हो जाएगा। हाँ शनाया, ये तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, चलो चलते हैं हम लोग कलर करने। कुछ बोलिए ना पापा, हम लोग कहाँ सोएंगे, बेड तो पूरा खराब हो गया है। अरे हर्ष तुम चिंता क्यों करते हो, मैंने फ्लिपकार्ट से एक बेड ऑर्डर किया है, वो आ ही रहा होगा। क्या आपने बेड ऑर्डर किया है? लेकिन पापा कब तक आ जाएगा? देखो बस थोड़ी देर में आ ही जाएगा। ये मैं सभी को जाकर बता देता हूँ कि पापा ने बेड ऑर्डर किया है। मायरा मायरा। मम्मी कलर कहाँ है, जल्दी दीजिए, मुझे सोफा कलर करना है। अरे मायरा तुमसे नहीं होगा, तुम रहने दो। अरे नहीं मम्मी, हो जाएगा, आप बस बताइए ना कलर कहाँ है, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे समझो मायरा, तुमसे नहीं होगा, क्यों जिद कर रही हो? मम्मी आप मुझे कुछ करने क्यों नहीं देती है? तो चलिए मेरा हेयर कट करवा दीजिए सैलून में, मेरा बाल बहुत ही खराब हो गया है। देखिए मम्मी, मैं चुड़ैल जैसी लग रही हूँ, मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। गीता दीदी गीता दीदी, मैं भी बाल कटवाऊंगी, मेरे बाल बहुत ही लंबे हो गए हैं। अरे आज इतने सारे काम है और तुम दोनों बाल कटवाने के लिए बोल रही हो? तो आज मैं नहीं जा पाऊंगी सैलून, आज घर की साफ सफाई करनी है। नहीं मम्मी नहीं, मुझे आज ही बाल कटवाना है, चलिए जल्दी सैलून में। अरे क्यों जिद कर रही हो मारा? अच्छा ठीक है, पहले घर की साफ सफाई कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं ही तुम दोनों का बाल काट दूंगी। मारा मारा, क्या तुम्हें पता है फ्लिपकार्ट से बेड आ रहा है? क्या बेड आ रहा है? उस बेड पर तो मैं सोऊंगी। अरे नहीं मायरा, वो बेड हम लोगों के लिए आ रहा है, उस पर सिर्फ तुम अकेले नहीं सो सकती, समझी मायरा? क्या कार्तिक ने फ्लिपकार्ट से बेड ऑर्डर कर दिए हैं? ये तो मुझे बताए ही नहीं। क्या मम्मी आपको नहीं पता है? मुझे लगा आपको पता होगा। अरे हाँ हर्ष, मुझे सच में नहीं पता है, अच्छा मैं देखती हूँ आखिर कार्तिक जी ने कैसा बेड ऑर्डर किया है। अरे जरा तुम लोग साइड होना, मुझे घर साफ करने दो। अरे रहने दीजिए, मैं साफ कर देती हूँ। नहीं गीता, तुम ये सारे बर्तन संभाल लो, मैं झाड़ू लगा देता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं सारे बर्तन संभाल देती हूँ। अरे सारे बर्तन को धोना होगा, सभी कितने गंदे हो गए हैं। अरे मायरा हार सनाया, तुम लोग यहाँ से जाओ उधर। ठीक है मम्मी, हम लोग यहाँ से जाते हैं। अरे चलो हम लोग बाहर चलते हैं, डिलीवरी बॉय आता ही होगा। नहीं हर्ष भैया आप जाइए, मैं तो सोफा कलर करने जा रही हूँ। अरे चलो ना मायरा, हम लोग बाद में कलर कर लेंगे। चलो हो गया, अब सारे बर्तन को कल पर ले जाती हूँ, इसे अच्छे से धो दूंगी। गीता सभी बर्तन को कल पर ले जा रही है। इधर से कोरियर वाला भी सामान लेकर आ जाता है। अरे गाड़ी वाला लगता है यही डिलीवरी बॉय है। यही कार्तिक का घर है, उसके नाम से सामान आया है। हाँ हाँ यही कार्तिक का घर है। अरे गाड़ी वाला लगता है कोरियर वाला आ गया, मायरा जल्दी चलो चलकर देखते हैं। अरे मैं भी जाकर देखती हूँ। पापा पापा जल्दी इधर आइए। कार्तिक जी जल्दी इधर आइए, अपना सामान आ गया। हाँ
अरे पहले आप झाड़ू नीचे रख दीजिए, चलिए हम लोग सामान ले लेते हैं। हाँ हाँ गीता, मैं अभी झाड़ू रख देता हूँ। इस झाड़ू को यहीं पर रख देता हूँ, अब जल्दी जाता हूँ। अरे जल्दी आइए भाई साहब, ये सामान बहुत भारी है, मैं अकेले नहीं ले जा पाऊंगा। अरे यही है गाड़ी। अंकल क्या आप मुझे यहीं पर बेड दिखा सकते हैं? अरे नहीं नहीं, मैं नहीं दिखा सकता, पहले अपने पापा को बुलाओ। अरे क्यों नहीं दिखा सकते अंकल, मेरे पापा ने मंगवाया है तो मैं तो यहाँ पर देख ही सकती हूँ ना। अरे नहीं बेटा, मैं नहीं दिखा सकता यहाँ, अपने घर पर खोल कर देखना। वैसे तुम्हारे पापा कहाँ है, जल्दी बुलाओ। पापा जल्दी आइए। अरे हाँ हाँ मैं जल्दी आ रहा हूँ, अभी बेड को यहीं पर रखवाऊंगी। आ गया भाई साहब। अरे ये दोनों बच्चे आपके हैं? हाँ ये दोनों बच्चे मेरे हैं, क्यों क्या हुआ? अरे ये दोनों तो बहुत ही शरारती है, मुझे परेशान कर दिए हैं उसी वक्त से। अरे हाँ हाँ ये दोनों तो शरारती है ही। मारा हर्ष तुम दोनों इधर आओ। चलिए भाई साहब सामान उतरवाते हैं। हाँ हाँ जल्दी चलिए भाई साहब, आप उधर चले जाइए। अच्छा ठीक है भाई साहब, अभी जाता हूँ। चलिए संभाल कर उतारिए। हाँ चलिए भाई साहब, मैंने अच्छे से पकड़ लिया है। अरे संभाल कर, बहुत भारी है वरना ये गिर जाएगा। अरे उस बॉक्स में लगता है बेड सीट है, मैं अभी जाकर देखती हूँ। पापा यहाँ पर रखिए। अरे संभाल कर भाई साहब। चलो हो गया। ठीक है भाई साहब तो अब मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है भाई साहब जाइए, वैसे मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया था। हाँ मुझे पता है, तो अब मैं चलता हूँ। डिलीवरी बॉय वहाँ से चला जाता है। जल्दी जाता हूँ अब। पापा जल्दी ये बॉक्स को खोलिए। अरे कितना छोटा बेड लग रहा है, उस पर तो दो ही लोग सो पाएंगे। सनाया उस बेड पर तो मैं सोऊंगी, पापा ने मेरे लिए मंगवाया है। अरे नहीं मारा, मुझे भी सोने देना। गीता जरा कैंची लेकर आना। हाँ हाँ मैं अभी लेकर आती हूँ। गीता घर में कैंची लाने जा रही है। पापा कैंची की क्या जरूरत, ये तो ऐसे ही खुल जाएगा। अरे नहीं हर्ष, ऐसे नहीं खुल पाएगा। चलो मिल गया कैंची। गीता जल्दी लेकर आओ। हाँ हाँ मैं अभी लेकर आती हूँ। ये लीजिए कार्तिक कैंची। हाँ लाओ गीता। इधर से काटता हूँ सबसे पहले। पापा मैं काटूंगा, मुझे कैंची दीजिए। अरे तुम इतना हड़बड़ा क्यों रहे हो हर्ष, तुम्हारा हाथ कट जाएगा। अरे नहीं पापा, मुझे काटने दीजिए ना। अरे हर्ष क्यों जिद कर रहे हो, तुम्हारा हाथ कट जाएगा, इधर आओ। अरे नहीं मम्मी। चलो ये कट गया, अब मैं इसे हटाता हूँ। अरे वाह, सामने से तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। वाह ये बेड कितना अच्छा लग रहा है, पापा जल्दी खोलिए ना पूरा, मुझे अभी देखना है। अरे हाँ हाँ मायरा मैं खोल रहा हूँ ना। अरे वाह सच में ये तो बहुत ही अच्छा है। वाह ये कितना प्यारा बेड है, मैं अभी इस पर बैठकर देखता हूँ। अरे ये कितना छोटा बेड लग रहा है, इस पर तो बस मायरा हर्ष ही सो सकते हैं। हाँ गीता ये तो बच्चों के लिए ही मंगवाया है। चलो सनाया हम लोग बेड पर सोते हैं। ये बेड कितना अच्छा है। अरे ये तो बहुत ही ऊंचा है, मुझे संभल कर इस पर चढ़ना होगा वरना मैं गिर जाऊंगी। मैं थोड़ा सो जाती हूँ। वाह बहुत ही अच्छा लग रहा है। अरे मैं भी इस बेड पर जाकर देखता हूँ। अरे वाह सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।